गुरु ढूंढे तो गुरु न मिले, मिले ना मन को चैन, और शिष्य ढूंढे न मिले, गुरु भी रहे बेचैन। ये सेम अवस्था आज के हमारे संसार की बनी हुई है, हमारे भारत देश की बनी हुई है, क्योंकि बहुत सी जगहों पे कुछ ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं कि अध्यापक ने स्कूल में बच्चे को डांटा और बच्चे ने बाहर अपने मित्र मंडली के साथ गुरु पर डंडों से वार किया, हथियार से वार किया। ये बड़ी ही चिंताजनक अवस्था है। मेरी दोनों से निवेदन है कि गुरु भी कुछ ऐसा कार्य करें कि हमारे समाज की नींव सुंदर बने, और छात्रों से विशेष निवेदन कि यदि आप गुरु पर इस तरह की परिस्थितियां लेके वार करेंगे तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सम्मान की नजर से गुरु को देखिए, गुरु आपका मार्गदर्शक है, भाग्य दर्शक है, तो गुरु का सम्मान जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, विषय पर आगे बढ़ते हैं। मैं आपका अंशुमन शर्मा, आप सबका आपके अपने चैनल ज्योतिष साधना केंद्र यूट्यूब पर स्वागत करता हूं। विषय है हमारा आज मीन राशि को लेके, जनवरी 2023 का पहला महीना स्वास्थ्य में क्या लेके आया है, एजुकेशन कैसी रहेगी, लव रिलेशन कैसा चलेगा, मानसिक परिस्थितियां, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, जॉब बिजनेस, इन सब में क्या होने वाला है, क्या परिवर्तन होने वाला। 17 जनवरी से आप पर शनि की 7.5 प्रारंभ होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, चलिए विषय पर आप आगे बढ़ते हैं। एक उम्मीद एक आशा, कभी आप लोगों के पास आए ना निराशा, आप खुश रहें हमेशा और प्रभु की शरण में रहें। आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, कमेंट में जय गो माता की जरूर लिखिएगा। आप अपना प्रश्न भी हमें भेज सकते हैं, हमारा उत्तरदायित्व तो रहेगा कि हम जल्द से जल्द आपके प्रश्न का आंसर करें। स्वास्थ्य के लिहाज से जनवरी का पहला महीना, अगर ग्रह स्थिति की बात की जाए तो गुरु में क्षमा चाहूंगा शब्दों के लिए, लगन में आपके गुरु मीन राशि के मौजूद हैं। द्वितीय भाव की बात की जाए तो यहाँ राहु चंद्र मौजूद है। तृतीय भाव में आपके मंगल वृषभ राशि के मौजूद हैं, और अष्टम स्थान की बात की जाए तो यहां पर आपके केतु विराजमान है। दसवें भाव की बात की जाए तो यहां पर सूर्य बुध आदित्य योग निर्मित करके बड़ी सुंदर अवस्था में विराजमान है। एकादश भाव में शुक्र शनि मौजूद हैं। हमारा आज का फलादेश चंद्र कुंडली व चंद्र लगन पर निर्धारित रहेगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से गुरु आपके लगन में है, फिलहाल की परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, परंतु 17 जनवरी के बाद ढैया जैसे प्रारंभ होगी, पहले आपकी मानसिक स्थितियां प्रभावित होंगी, फिर आपके पैरों में साढ़सती का प्रभाव जाएगा, आपको नस से संबंधित कोई समस्या भी आ सकती है, पर जब तक गुरु आपके लगन में है साढ़सती का इतना प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पंचम दृष्टि गुरु आपके विद्या भाव पर, सप्तम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर, और दसवीं दृष्टि आपके व्यापार बिजनेस पर। जी हाँ दोस्तों, अब आपको इन कुछ महीनों में बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी और साढ़सती का असर प्रारंभ होने से पहले अपने जीवन को बदलना होगा, क्योंकि 21 अप्रैल को गुरु यहां से स्थान परिवर्तन करेंगे। तो जब तक गुरु की छाया आपके ऊपर है तो शनि आपका बहुत कम, आपके ऊपर शनि का प्रभाव पड़ेगा, तो यहां पर सावधानी रखिएगा और मेहनत करिएगा। एजुकेशन की बात की जाए तो दोस्तों, सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर शनि और शुक्र की है, पंचम दृष्टि गुरु की आपके विद्या भाव पर है। आप कोई मन में बड़ा विषय लेकर चल सकते हैं, मेहनत करने का आपके अंदर जुनून होगा और आप सफलता को भी प्राप्त करेंगे। आप कोई ऐसा विषय निर्धारित कर सकते हैं जिससे आपको आने वाले जीवन में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला हो और आपकी तरक्की होने वाली हो, क्योंकि गुरु आगे के जीवन की नाव को मजबूत करता है, आगे के सफर को मजबूत करता है। तो 21 अप्रैल तक और खासकर जनवरी के महीने में आप अपना विषय निर्धारित कीजिएगा और सफलता के साथ उस पर आगे बढ़िएगा। अब बात की जाए मानसिक परिस्थितियों की, दोस्तों भ्रम की स्थिति बन सकती है, क्योंकि 17 जनवरी के बाद शनि का प्रभाव आपके जीवन पर प्रारंभ हो जाएगा। ये द्वादश भाव में शनि आप पर साढ़सती का पहला चरण लेकर आएंगे, तो साढ़सती का पहला चरण मानसिक स्थितियों को ज्यादा प्रभावित करता है, शारीरिक स्थितियां कम रहती हैं। ज्यादा आप अपने मन को, अपनी स्थिति को मजबूत कीजिएगा। लव रिलेशन, अगर आप लव रिलेशन में टाइम पास कर रहे हैं, आप उस शख्स का फायदा उठाने के योजना से आप उसके साथ चल रहे हैं, तो आपका सच बाहर आ सकता है और आपका रिलेशन टूट सकता है। जो अगर आप सच्चे भाव से और सच्ची नीयत से
आप प्रेम के संबंध में बने हुए हैं तो आपका रिश्ता और ज्यादा मजबूत होगा। झूठ के साथ चलने वालों के लिए समय अच्छा नहीं है। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो दोस्तों गुरु सप्तम दृष्टि से आपके सातवें भाव को देखते हैं, तो यहां पर सब कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। कुछ प्रयास आपको करना होगा, एक दूसरे पर अत्यधिक विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। ऐसी परिस्थितियों को जीवन में मत लेके आइएगा जो आपकी मानसिक स्थिति व शारीरिक स्थिति को आघात पहुंचाएं, क्योंकि अभी आप अपने रिश्ते को इतना मजबूत कर लीजिएगा ताकि 21 अप्रैल के बाद जब सारस्वती का आपके जीवन पर प्रभाव पड़े तो वो प्रभाव शून्य के समान हो, क्योंकि सारस्वती जीवन में हर स्थिति को प्रभावित करती है। वैवाहिक जीवन, घरेलू, पारिवारिक सब स्थितियों को प्रभावित करती है। मतभेद बहुत ज्यादा बनते हैं तो अभी से आप अपने रिश्ते को मजबूत करने का प्रयास कीजिएगा। फिलहाल की स्थिति आपकी मजबूत है। अब बात की जाए दोस्तों जॉब की। देखिए जॉब एक ऐसा विषय है जिस पर बुध की और सूर्य की विशेष नजर है। अगर यहां पर बात की जाए आपके बुध की तो बुध अभी वक्री अवस्था में है, तो मार्गी होने के बाद आपकी मेहनत और रंग लेके आएगी। आप जो है बड़ी मेहनत के साथ परिश्रम करना पसंद करेंगे और मानसिक सोच के साथ साथ आप अपनी हर स्थिति को मजबूत करने का मन में हौसला लेके आगे बढ़ेंगे। नव वर्ष की आपको बहुत बहुत बधाई। अब बात करते हैं दोस्तों बिजनेस की। देखिए बिजनेस की स्थिति को देखा जाए तो सूर्य बुध आदित्य योग बड़ा ही सुंदर योग है, तो इसमें आपको अभी से स्थितियों को इतना ज्यादा पावरफुल बनाना होगा जब तक गुरु आपके लग्न में है, ताकि व्यापार में सारस्वती का प्रभाव आने वाले समय में आपकी स्थितियों को खराब न कर पाए। अभी की स्थिति मजबूत है, आप नए नए स्तोत्रों को निर्मित करेंगे और अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आपको तरक्की भी मिलेगी, धन लाभ भी होगा। इसके साथ साथ में आप जो है वाहन खरीदने का प्रोग्राम बना सकते हैं, मकान पर आप पैसा खर्च करने का प्रोग्राम बना सकते हैं, कुछ आप उसमें बदलाव करने की सोच सकते हैं और नया मकान लेने की भी आप लोग सोच सकते हैं। तो बिजनेस स्थिति बहुत अच्छी भी नहीं है और खराब भी नहीं है, मध्यम स्थिति की आपकी चलने वाली है। 17 जनवरी से शनि की सारस्वती आपके ऊपर प्रारंभ होगी, बहुत से उतार चढ़ाव जीवन में आने शुरू हो जाएंगे, तो सावधान और मजबूत रहिएगा। और सारस्वती का ज्यादा प्रभाव 21 अप्रैल के बाद आपको देखने को मिलेगा। दसवीं दृष्टि अभी आपके दसवें भाव पर गुरु की मौजूद है, तो यहां पर ज्यादा शनि आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे, पर इसके बाद परिस्थितियां बहुत ज्यादा कठिन हो सकती हैं। तो इससे पहले पहले ग्रह दृष्टि आपको केंद्र बनाए, आप पर फोकस करें, उससे पहले पहले आप अपनी स्थितियों को जितना हो सकता है उतना मजबूत करने का प्रयास कीजिएगा। बाकी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत करें, बहुत ज्यादा आगे बढ़ें और आपके जीवन में चार चांद लगें, तमाम खुशियां आपके इर्द गिर्द रहें। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उपाय की। गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं, गुरु की परिस्थिति अभी बहुत मजबूत है जब तक गुरु आपके लग्न में है। जैसे ही दूसरे भाव में गुरु प्रस्थान करेंगे तो वहां पर आपको उपायों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। फिलहाल की स्थिति में मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई ज्यादा उपाय करने की आवश्यकता है। हाँ, आप बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल का दान कर सकते हैं, जरूरतमंदों में केले का दान कर सकते हैं, पीले वस्त्र का दान कर सकते हैं और प्रतिदिन आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। विशेष बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, गुरु की कृपा हमेशा इंसान पर तब तक बनी रहती है जब तक इंसान धर्म पर, अपनी निष्ठा पर, अपने पराक्रम पर मजबूती रखता है, मानसिक स्थितियों को नियंत्रण में रखता है। यदि धोखा, छल, कपट इस तरह की स्थितियां जब इंसान के अंदर भर जाती हैं तो गुरु वहां से अपना प्रभाव उठा लेता है, वहां पर गुरु की दृष्टि नहीं रहती है। तो सारस्वती के प्रभाव से आप बच सकते हैं यदि आप गुरु को मजबूत रखें। गुरु मजबूत आपके कर्म से होगा, ना कि आपके धर्म, जाप, पूजा पाठ से, आपकी सोच से ज्यादा मजबूत होगा। चलिए दोस्तों, आज का विषय यहीं पर समाप्त होता है, फिर किसी नए विषय को लेकर आप लोगों के समक्ष आने का हमारा प्रयास रहेगा। तब तक के लिए खुश रहिएगा और
ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों की मदद कीजिएगा, गौ माता की सेवा कीजिएगा और डॉग या कोई भी जीव आपके जीवन परेशानी की अवस्था में है तो तुरंत उसकी तरफ आप सहायता के अपने कदम जरूर बढ़ाइएगा। ईश्वर आपका मार्गदर्शन करने के लिए उतारू हो जाएंगे, आपका हृदय जब ईश्वर से मिलना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि देखिए पूरे संसार को ईश्वर रोशन करता है, समस्त जीवों को प्रजातियों को अहेतु की कृपा से अनुग्रहित करता है। तो आप जितना सुंदर स्वरूप अपना बनाएंगे गुरु की दृष्टि उतनी ही सुंदर आपके ऊपर बनी रहेगी, आपका साढ़ सती भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और कोई भी क्रूर ग्रह की दृष्टि आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी जब तक आप गुरु की शरण में हैं और गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है। तो साढ़ सती में विशेष एक चीज का और ध्यान रखिए, समय समय पर यदि आपके जीवन में कोई गुरु है तो उनका आशीर्वाद प्राप्त जरूर करते रहिएगा और गुरु पूर्णिमा पर वहां से कुछ सिक्का जो लेके आके आप अपने धन में उसको रख सकते हैं पीले कपड़े में बांधकर, तो गुरु की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। खुश रहिएगा और सदा प्रभु की शरण में रहिएगा। जय गौ माता की।